नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARG ब्रिक्स के एक नए वीडियो के अंदर। मैं हूं मुकेश चौधरी और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त डुप्लेक्स का यहां पे वीडियो लेके आया हूं मैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसे ही अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। साथ साथ में हमारे दूसरे चैनल को भी आप चेकआउट करके विजिट कर सकते हैं, साथ साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। किंग्सवे ग्रुप के नाम से हमारा दूसरा चैनल है जिसमें कि हम प्रीमियम लग्जरी और संबंधित प्रॉपर्टीज़ के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट एलिवेशन, कितना ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, पहले मैं विला के विशेषताओं के बारे में आपको बता देता हूँ। विला के अंदर 3 बेडरूम बने हुए हैं। बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है, साथ साथ में आपको पार्किंग का बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात, डायमेंशन की बात अपन वीडियो में करेंगे। आइए कैमरामैन जी एक बार अपन यहाँ पे टूर अपन कर लेते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो करनी कुंज धवास के अंदर ये लोकेटेड है, जो कि अजमेर रोड से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे आपको मिल जाता है। 200 फुट बाईपास से अगर बात करें तो 4 से 5 किलोमीटर दूर आपको ये मिल जाता है। तो जैसे अपन एंटर करते हैं विला के अंदर तो यहाँ पे आपको पार्किंग का स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो बहुत अच्छा सिडान कार आप आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाता है, किचन गार्डन यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। साथ साथ में आपका मोटर के लिए भी आप प्रॉपर एक स्पेस यहाँ पे डेवलप आप कर सकते हैं। विला जो है अभी फिनिशिंग मोड पे चल रहा है, स्ट्रक्चरल काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, फिनिशिंग का काम अभी बाकी है जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे हो जाएगा। आप इसको विजिट कर सकते हैं और जल्दी आप इसको बुकिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिल्कुल बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है इसकी साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे अपन जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक स्पेस मिल जाता है डाइनिंग ड्राइंग एरिया के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ में इधर की तरफ मैं बात करूँ, यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक स्टोर रूम एक बार दिखा दीजिए। स्टोर रूम के जैसे आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है जिसमें आप इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ साथ में आप अपनी कोई भी सामान यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इधर की तरफ मैं देखता हूँ यहाँ पे डाइनिंग ड्राइंग एरिया के सामने तरफ, तो यहाँ पे एक अच्छे स्पेस में आपको कॉमन वॉशरूम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें कि प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए भी आपको प्रॉपर यहाँ पे जगह मिल जाती है। टाइल्स वगैरह का एक बार लुक दिखा दीजिए, टाइल्स वगैरह यहाँ पे लग चुकी है, बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे टाइल्स वगैरह का किया गया है। सफोकेशन ना हो इसलिए वेंटिलेशन का भी प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। फिर हम देखते हैं डाइनिंग ड्राइंग एरिया के बिल्कुल सामने की तरफ, इधर देखते हैं तो यहाँ पे किचन का स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। किचन के स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। किचन के अगर लुक की बात करूँ तो एल शेप में यहाँ पे दिया गया है, मार्बल का यहाँ पे टॉप यहाँ पे लगा के आप दिया गया है। साथ साथ में यहाँ पे बात करूँ तो टाइल्स वगैरह का भी काम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जो किचन जो है वो आपको मॉड्यूलर यहाँ पे मिलने वाला है, फिनिशिंग का काम अभी हो रहा है, वुडन वगैरह का भी काम इसमें किया जाएगा। यहाँ पे आप जो है रैक्स वगैरह लगा के पूरा प्रॉपरली आपको डेवलप करके दिया जाएगा। इधर की तरफ बात करूँ तो वेंटिलेशन के लिए आपको 2 प्रॉपर यहाँ पे विंडो देखने को मिल जाती है, जिसमें कि सफोकेशन ना हो, वेंटिलेशन आपको प्रॉपर बना रहे, उसके लिए परफेक्ट चीज़ बिल्कुल सामने की तरफ होने वाली है। अगर मैं फेसिंग की बात करूँ विला की तो वेस्ट फेसिंग आपको विला यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए कैमरामैन जी, यहाँ पे आपको फ्रिज रखने के लिए प्रॉपर एक स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि विला में हम यहाँ पे 3 बेडरूम आपको दिखाने वाले हैं, नीचे की तरफ 1 बेडरूम, ऊपर की तरफ 2 बेडरूम बने हुए हैं, उनका लुक हम आपको दिखाएंगे। पहले एक बार जो नीचे जो बेडरूम बना हुआ है उसका लुक हम एक बार दिखा देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर फिटिंग्स की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी कंपनी की यहाँ पे फिटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे AC फिटिंग की, प्रॉपर हर जगह AC फिटिंग आपको देखने को मिल जाती है, साथ साथ में सैनिटरी फिटिंग भी बहुत अच्छी कंपनी की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। रूम की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो रूम की साइज़ ऑलमोस्ट 14x10 के आसपास की साइज़ आपको देखने को मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी साइज़ में यहाँ पे दिया गया है। फिनिशिंग वगैरह का भी चल रहा है, वॉलपेपिंग वगैरह का भी काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सभी चीज़ें यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से करके आपको देने वाले हैं हम लोग। सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे वार्डरोब्स के लिए स्पेस बना दिया गया है, जिसमें कि कवर्स वगैरह लग के यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे काम यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक यूटिलिटी एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ में यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको देखने को मिल जाती है। यूटिलिटी एरिया की बात करूँ तो बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाला गया है, साथ साथ में ऊपर की तरफ जाल देके इसको बिल्कुल कवर्ड यहाँ पे किया गया। ऊपर की तरफ एक बार कैमरामैन जी आप दिखा दीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, नीचे की तरफ देखा, हमने एक बेडरूम देखा, डाइनिंग ड्राइंग एरिया देखा, किचन का लुक हमने देखा, साथ साथ में कॉमन जो वॉशरूम बना हुआ है उसका भी लुक देखा, एक अच्छा स्पेस यहाँ पे देखा जो कि स्टोरेज के लिए था। यहाँ पे बिल्कुल सामने की तरफ हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको टीवी पैनल दिया जाएगा, जो कि पूरा काम करके यहाँ पे दिया जाएगा। सेमी फर्निश्ड आपको ये विला आपको मिलने वाला है, जिसमें कि लगभग आपको काम जो नॉन मूवेबल थिंग्स है उनके अलावा सब कुछ यहाँ पे आपको चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पे अगर देखते हैं स्टेयर्स की बात करता हूँ तो मार्बल की स्टेयर्स यहाँ पे लगाई गई, यहाँ पे स्टीनलेस स्टील की यहाँ पे आपको रेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं साइज़ की बात करूँ ऊपर की तरफ तो बहुत ही अच्छी साइज़ यहाँ पे दी गई है। एक बार ऊपर की तरफ लुक दिखाते हुए लेके आइए कैमरामैन जी। फिर जैसे कि अपन यहाँ ऊपर देखते हैं, ज़्यादातर विलाओं में मैं आपको हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि जो कम साइज़ के विला होते हैं उनके अंदर ऊपर की तरफ यहाँ लिविंग
मान लीजिए आप फैमिली लॉन्च का एरिया मान लीजिए, इसके लिए बहुत ही कम जगह आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, लेकिन इस विला के अंदर आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। आप आराम से यहाँ पे सोफा वगैरह लगा के आराम से आप यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, इधर की तरफ आप टीवी पैनल लगा के बहुत ही अच्छा एरिया यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। तो आइए कैमरामैन जी एक बार ऊपर की तरफ दिखा दीजिए, इधर की तरफ आपको ऊपर की तरफ जाने के लिए आपको स्टेयर्स मिल जाएगी। यहाँ के डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये डिज़ाइन एक बार हाईलाइट कर दीजिए, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है इसका। तो जैसे पीछे जो रूम बना हुआ है उसका लुक हम देखेंगे, एक बार फुल सीलिंग वगैरह का नज़ारा देख लीजिए, अभी डेवलप नहीं है पूरा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त लुक यहाँ पे आपको देखने वाला है। जब भी ये डेवलप हो जाएगा उसके बाद बहुत अच्छा नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ रूम की अगर मैं बात करूँ साइज़ की, तो वही लगभग 14x10 के आसपास का रूम का साइज़ आपको मिल जाता है। नीचे जैसे रूम बना हुआ था ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे रूम बना हुआ है। वॉलपेपर वगैरह की डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, जो हर रूम के अंदर वॉलपेपर डिफरेंट होने वाला, साथ साथ में ड्राइंग डाइनिंग एरिया में थोड़ा डिफरेंट वॉलपेपर यहाँ पे होने वाला है। ऊपर की तरफ एक बार लुक दिखा दीजिए फॉल सीलिंग का। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको कवर्ड्स के लिए स्पेस निकाला गया है, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छा स्पेस में यहाँ पे कवर्ड्स के लिए स्पेस यहाँ पे निकाला गया है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको यूटिलिटी के लिए एरिया मिल जाता है। ऊपर की तरफ जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी ओपन है, लेकिन यहाँ पे जाल लगा के यहाँ पे इसको कवर्ड बिल्कुल किया जाएगा, उसके बाद बिल्कुल सेपरेटली इसको कवर्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी एक सबसे विशेषता मैं आपको बताता हूँ विला की, कि अभी बिल्कुल इसमें लाइट नहीं है, बिना लाइट के यहाँ पे इतना अच्छा आपको सनलाइट देखने को मिल रही है, कि मतलब दिन के अंदर आपको बिल्कुल भी लाइट वगैरह जलाने की बिल्कुल ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। इधर की तरफ जो अटैच वॉशरूम है उसका लुक एक बार दिखा दीजिए, कितना स्पेशियस है। टाइल्स वगैरह का काम यहाँ पे कर दिया गया है, बहुत अच्छा यहाँ पे टाइल्स का लुक मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर अपन चलते हैं जो सामने की तरफ जो रूम बना हुआ है उसकी तरफ अपन लुक देख लेते हैं एक बार। तो आइए कैमरामैन जी एक बार अपन सामने वाले रूम की तरफ भी एक बार देख लेते हैं कैसा वहाँ पे बना हुआ है। जैसे हमने देखा कि दोनों रूमों में पीछे के रूमों में यूटिलिटी बालकनी का एरिया मिल जाता है। सामने वाले रूम की अगर मैं बात करूँ तो रूम की अगर साइज़ की बात करता हूँ 14x लगभग आपको ये रूम मिल जाता है, 14x14 के आसपास का रूम मिल जाता है। बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छे रूम की साइज़ यहाँ पे दी गई है। इसमें वॉलपेपर का काम आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। अभी फिनिशिंग का काम जैसे मैंने आपको बोल रहा हूँ बार बार कि फिनिशिंग का काम भी पेंडिंग है, तो थोड़ा फिनिशिंग का काम होने के बाद इसका और भी ज़बरदस्त लुक होने वाला है यहाँ पे। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का काम भी जैसे अभी थोड़ा बहुत कर दिया गया, थोड़ा बहुत और बाकी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर इस रूम में भी आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है, तो एक बार अटैच वॉशरूम का लुक दिखा दीजिए, टाइल्स वगैरह का लुक दिखा दीजिए। तो हमने देखा दोनों रूमों में जो ऊपर बने हुए उन दोनों रूमों के अंदर हमने यहाँ पे देखा कि अटैच आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है। इधर इस रूम में यहाँ पे देखते हैं तो बालकनी का स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चारों तरफ से एक बार बसावट का नज़ारा एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन जी। लगभग यहाँ पे 80-90% बसावट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छा पॉश एरिया है, बिल्कुल शांत एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था डायमेंशन के बारे में, तो 15x49 की यहाँ डायमेंशन है, लगभग 82 गज में बना हुआ है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ 47 लाख इसकी प्राइस रखी गई है। दो ही विला हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो विजिट कीजिए। साथ साथ में सलाहकार के नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं, लोकेशन वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बाकी और चीज़ें भी आप वहाँ से जान सकते हैं। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा ARG ब्रिक्स चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। चैनल को और आप सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ साथ में हमारे दूसरे चैनल जो प्रीमियम सेगमेंट के प्रॉपर्टी वाला चैनल है किंग्सवे ग्रुप, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियोज़ देख सकते हैं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।